प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी तुलसी चरण शरण रत मानी तुलसी चरण शरण रत मानी पुन बंधो संतन शरणाई पुन बंधो संतन शरणाई जिन पुन सूरत नीरत दर्शाई जिन पुन सूरत नीरत दर्शाई। समय हर बात ये है हम जो भक्ति करते हैं इसका मतलब क्या है हमने कभी गौर से विचारा नहीं। अपने आप ही इतने ढंग से पड़े हैं हम रखो पुतली मेरे प्रेमी आया कहने लगा ये हमारी रीत ये परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ये तो ठीक है रीत तो परंपरा से चली आ रही है हम परंपरा से चौरासी में धक्के खा रहे हैं इसका बंदोबस्त करना कि नहीं करना रीतों को करना है से छुटकारा हो जाए सोचो ऐसा मतलब क्या है कि हम चौरासी में धक्के खा रहे हैं जो तुम जो बीत गए पता नहीं कितने सज्जुग बीतते हैं कितने तृतीय बीतते हैं कितने द्वापर बीतते हैं कितने कलयुग बीतते हैं कभी कीड़े बनते हैं कभी पतंगे बनते हैं कभी हाथी बनते हैं कभी घोड़े बनते हैं कभी मेरे को दुख भोगते हैं कभी सूर्य को सुख भोगते हैं हमारा छुटकारा नहीं हुआ इससे छुटकारा हो जाए ऐसा मतलब ये है। अब उसके लिए हमने बड़े उपाय किए कि हम जप किए कि नहीं तप किए कि नहीं यज्ञ किए कि नहीं योग किए कि नहीं पुण्य किए कि दान किए छुटकारा हुआ इसे धक्के खा रहे हैं सोच लो विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया मैं 2-4 साल को तपस्या करता बड़ा तपस्वी है 60,000 साल मैंने मार दिया श्री ऋषि ने 88,000 साल तप किया पानहारी जब एक बहुची माता पानी पी लेता था उसी खुराक थी हम तो कहेंगे उसने मन कभी कर लिया होगा मैंने मार दी ना प्राश्चर्य जी पूर्वी में दिख रहा है वो करना बड़ा कठिन है इसमें एक ऐसी जगह है अगर मन फल जाए तो कोई पागल हो जाते हैं पूर्व योगी मछुद्री पे मारेगा मन का भी आया मच्छिंदर इस देश से निकल जाता था आपने तीन शुरू में कैद है पहले कानशील है उसके ऊपर सूक्ष्मशील है उसके ऊपर स्थूलशील है इस देश से निकल जाता था फिर मैंने ख्याल किया ऋषि लोग राजपाट करें किसी राजा का ध्यान हुआ अपनी रूह को इस जिस्म से निकाल कर उसके जिस्म में प्रवेश करके ऋषि लोग राजपाट किया मन का बनाया फिर कहते हैं इसके लिए गुरु की जरूरत है गुरु पड़े किए अहमेश्वर ने किया सिंह ऋषि ने किया
सोच लो, प्रश्न ने भी किया, मच्छंदन ने किया, यहां तक तो आया, अब इस मारने वाला तो कोई नहीं मिला। देव अभी निकरो काटने पीसा में लिखा है, रगड़ा है भारी, तो संग संत जान रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ा अंदर। उन्होंने सब लिखते हैं, अंदर बिखरे दाल बिखरे दाल में मेरे सदगुरु सुख शक्ति कर जाते। उससे आगे तीर किला काल का हेडक्वार्टर है, वहां से कोई जीव नहीं निकला, बड़े बड़े पीर पैगंबर आले होकर बैठे। क्यों गुरु तरफ से सोच से इसे आज मिले सफल, हमें उस गुरु की जरूरत है जो जन्म उनके मन छुड़ा दे, अपने घर पहुंचा दे जहां से आए। वो कौन सा है उसे सब भूले बैठे, वो सबका एक ही है जिसके मुतलक गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, एक ही किसे सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जो जान, जिसकी जो सब पूर्ण काम कर रही है, जिसके मुतलक कबीर साहब ने कहा है, आपके धर्म रवि मेरा सतगुरु आपके खेल खिलाड़ी हो, गवन मंडल का तंदुर तुम्हारा धर्म मंडली चढ़ा रही हो, चांद सूरज और मिसाल बना दी तारों की फुलवारी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप मैंने खुद मान लिया, जले जले में सब केंद्र है। वो कहां रहता है, रहता कहा है तो सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुर सहदानी, सतगुर सतपुरुष को जाने, रहते कहा चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वास, त्रिलोकी तक काल का दर है, मालिक ने आप ही खेल डाला है, उसका स्पर्श किया है, खेल भी जीत डाला है, उसने ऐसी रचना की है कि निकल कर रहा है नहीं छोड़ा। पहले तो आत्मा को लेकर तीर्थ में कैद किया हुआ है, और पिछले लगा दिए सात मन लगा दिए, इसका काम क्या है, जीव को घुमाना और भटकाना, और कोई काम नहीं, वो तो निकल काम है, उसको एक ही काम है। हम सब देखते हैं मन मंगल सात दीवाना बंखंड माया मोह हराना, इतना चाले काल के चापे गुम खोज लह कर आपे, मन एक मस्ती की तरह है जो मोह माया विषय कामों की जमीन भरता फिरता है, कभी स्त्री का प्यार कभी बच्चों की मोहब्बत कभी नाच कभी रंग कभी कम मुस्कुर फेरे, इसी तरह जा रखा है इतना चाले काल के चापे, काल के दबाव में उसके हुक्म नहीं है, किसी विले बिन ही इसको काबू किया है, और उसने क्या किया है, पापों का जाल डाला है, पाप उन बीज की टोटी, बीज ऐसी दिन चलती है, ये बीज है इसी दिन चलती है, ये महात्मा चंदास कहते हैं, पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी उत्खंड उखंड, मेरे जन को होता है पाप उनकी सूझ, सूझ तेरे बाजार से बहुत रह रूज, पाप को सब बुरा कहा, किसी को निकल कहा है, कभी हथकड़ी है अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ी है, एक लोग समझ एक सुनी समझ लो हथकड़ी, किसको फर्स्ट क्लास मिल गई, किसको सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई, रात जल्दी कर जल्दी सुबह में कौन सा सोचा महम शांति में करके देखो, जो भी लिखा है सुबह सुबह तो सारे करते हैं, हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है, और ये भोग सुख इस संसार से हजारों गुना अधिक है, जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं, जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं, वहाँ के भोगों की मियाद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है, जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, और उनको देखकर जलन उत्पन्न होती है, उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती, जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ।
जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और उसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे विदुर, ये किया जा रहा है, ये कैसे सूर्यमुख राजेंद्र बना, कैसे जी का कर्तव्य बना, आज ये कीड़ा है जो पे काल पर्यंत में जीवे कोई तो भी होगा नाश ब्रह्म के संग ही, जो पे देव के नहीं जाके उतरे तो उन्हें छुट्टे कर्म मिला, फिर मुक्ति में छुटकारा नहीं। अब क्या किया इसने, सब कहते हैं ऐ जीरा तो अंदर लोग को ऐ प्रवास काल हो अजी तुम लोग के रहने वाला सतलोक के रहने वाला मकान हक के रहने वाला है, काल के पास में आया हुआ है, मैंने स्वरूप नैया तुम्हें रख के बनवाई हो, मन काल का एजेंडा तुम बना रहा है, कैसे बना रहा है, एक विष लगा दिए, पाप में जाल डाल दिया और जोग जाप नींद व पूजा व प्रपंच फसारा हो, जैसे बुधिक को टाटी के दिल विश्वास से चारा हो, जैसे शिकारी जाल तान कर नीचे दंड डाल देता है, जानवर तो पेट भरने के लिए उल्टा फंस जाता है, ये सब फंसाने वाले हैं। वे लोग कितने कितने जब तक किए लोग किए पूर्ण किए पूर्ण योगी हुए छुटकारा नहीं हुआ, ये सब फंसाने वाले, ये सब काल की भक्ति नीचे दर्जे की है। जब तब संग काया कसना संघ योग बरताना जाते नहीं सम्मेलन मोहन कर बनाना, जो छुटकारा का सगुण अपने हाथ में रखा है वो सबूत चौथे लोक में रहता है, त्रिलोकी से पार। उसका दूसरा रूप क्या है, शत वर्ड कलमा कलम इलाही बांग आसमानी नाम कैसे है और प्राइम मिनिस्टर बोले एक मिनट में आवाज शब्द को फैल जाएगी, जिन्हें अफसरों से पल्ले पाए वो काम करने लग जाएंगे, वो तो वहां बैठा है उसमें काम को आया, उसके हुक्म में उसके आवाज में उसके शब्द में, उन अफसरों ने उसे देखा भी नहीं होगा, उसका रूप क्या हुआ, शब्द आवाज हुक्म, इसी तरह उसका गुरु का रूप क्या शब्द, उसकी सारी रचना की है। इसे निकाला है शुरू में वर्ड था, वर्ड खुदा के साथ था, वर्ड ही खुदा था, वर्ड ने सब कुछ बनाया बगैर उसको कुछ नहीं बना। ये मुस्लिम फिर कहते हैं आनंद असर चरित्रित असजूरत विषाद मुद्रित, ये सारी दुनिया का वास पैदा हुआ है, उसे सारे में पैदा हुआ है, अंदर उस पढ़ते हैं हुक्म हो नकार हुक्म हो चाहे जय हुक्म हो जिया हुक्म हो बढ़ियाई, जो कुछ हुआ है उसके हुक्म से हुआ है, कब्जा होता है जब बोले शब्द शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द प्रकाश, शब्द की लहर को कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले ज्ञान नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, दात उसे अपने हाथ में रखी है। इसलिए मैं समझ पाया तेरे काम गुरु जिसका तू चेला शब्द गुरु सब गुरु चेला, एक विषम का है क्या शब्द गुरु को कीजिए भक्त गुरु लगा अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बट मार, ये तो शब्द का सुर से शब्द गुरु भी मार देना हो अल्लाह का काश उनका गुणवत्ता में सुर सुनाना हो, ये पट शब्द का धुमाने जगह उनके सब मेरा गुरुदेव, वो गुरुदेव है गुरु के लफ्ज नहीं तथी से निकले, जैसे मतलब शब्द सतगुरु का मतलब सत शब्द जो सतलोक से आ रहा है, ये गुरु है मुक्ति का दाता है, ये बंधन छुड़ाने वाला है, इसको प्रवृत्ता हुआ है, सोच लो ये सबके अंदर है, रेडियो की तरह सब जगह है, चंद सुकुम वर्त प्रतरा चंद स्नान बता दो सब में शब्द वर्त प्रसाद चस कर मिले बता दो, रेडियो की सब जगह है, जरे जरे में जिन पे ताक दे रहे हैं नाम के धारे सोले गए नाम के धारे खंड ब्रह्म, ये धर्म है जिसको हम जो नारा लगाते हैं, ये धर्म है धर्म सगुरु तेरा ही आसरा, इसी को हम कहते हैं हजनाज जिंदा राम। हजनाज का क्या मतलब है, तुम्हारे किसकी जुल में साथ रहे जिंदा वो ताकत तुम्हारे जो हमेशा कायम है, जिसमें कभी कोई त्रुटि नहीं आई, जिसके मुताबिक मान सन का आज सच जो आज सच है कि सच मान खुशी सच राम
नित्य शरण में जो सरसरे मेरे में ही है, इसी तक तो नाम से निगुण मानना है। नाम से कुंडार गए तो यार रिफ्री मिला, यह जमसा क्यों अगर है फारसी के लफ्जों में। मैं पूछा पीरे शिमा कदम अस्त आपका गुरु कौन है, उन्हें फरमाया पीरे मा जिंदा पीर अस्त मेरा गुरु जिंदा गुरु है। जिंदा क्यों जिंदा प्रेत कार नहीं क्यों जो पैदा हुए समझ रहे मानना है। तो नाम से मैं यह खुदा पीर अस्त दैन जिंदा उसको लाभ मिली दे खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है कुल आदमी उसका मरीज है। मुझे खुदा पीरे दिगर कदम अस्त खुदा के अलावा कौन गुरु सकता है। सब गुरु मेरा सदस्य ना न जाए तो नशी पुरख है सब मेरे हसम है सबके अंदर है। हम कहते हैं कि गुरु दाता है जब गुरु दाता है भाग तो लिख पड़ी है लिया 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 और हम सब कहते हैं सदगुरु मेरा बेमाता है सदगुरु मेरा सच्चा साथ मेरा सदगुरु बेमाता है जहाँ सबको बनाने वाला है कैसे बेमाता है जाए ये कपड़ा बनाया किसी ने कैसे बनाया किन पास बही किसी चुगी किन डेली किसी सूचना किन रंग बनाया किन बना कितना अच्छा से निकला कितना कमलताल हुआ ये बेमाता है सब लोग फिर रंग भरते हैं। यह राम गुरु यह शब्द गुरु रंग मुसला बाल मुसला स्वाद मुसला उनके बैठे कटिंग कर रहा है सोच लो मौत के वक्त इसने काम देना है ना बाहर गुरु हुआ ना होना सो गुरु करो जो बाहर में कमी ना मरे ना हो सो बाहर कैसे बने थे जैसे किसी ने डॉक्टरी की हम उसको कहते हैं डॉक्टर उस इल्म का नाम डॉक्टर दे तो जा रहा है काम करने के लिए जहां वो आता था क्यों किसी चोले में उसको गुरु कहते बाद में निकले चढ़ कर गुरु के गुरु चढ़ गए इतने चेले नहीं जितने गुरु बन गए महात्मा चंदस करते हैं बिलियारे देख फिरते हैं घर घर कंठी देख और काज उनको जीवे काम देख कंठ का बेचार कह रहे हैं मिला बना सो सदगुरु को जाने दुखा उठा ये मुक्ति का दाता मौत के वक्त से काम देना है। मनु साहब का क्या था शब्द मनु साहब का क्या था शब्द रामदास का क्या था शब्द नानक आप अंगद अमर सतगुर शब्द सुनाया तन तन गुरु रामदास गुरु दिन पार्स पार्स मिलाया उनके में शब्द गुरु आया दे प्राणी फेंकती पूर्व गुरु गुरु साहब के अंदर बैठ गए फिर गुरु अमरदास की उसका रूप शब्द है वो आया जब तक उसको खुश नहीं करते जब तक कुछ नहीं मौत के वक्त उसने काम देना बात किसी को नहीं देना जिस वक्त मौत आई मौत अंदर जमदूत अंदर सोच लो वो रोता है चिल्लाता है कम छुड़ा है उसे धर्मस्थान बाहर तीर्थ है बाहर बाबा गुरु बाहर सोच लो अंदर हो तो छुड़ाया है उसको तो किसी ने खुश नहीं किया वो काम देने वाला है। फकीरों ने उसे देखा हमें बताया जो उनके तरीके पर जाता है जैसे विद्या देव वसने लग जाती है वही वसने लग जाता है काम देने लग जाता है जो भक्त की एक ही तीर्थ रामनिवास वही वसने लग जाता है कैसे काम देता है जैसे मेरा को जहर दी मूर्त बन गया ना दी शाम को जहर बन गया प्रलाद के स्नान की ये काम देने वाला है जितने जपे जितने पढ़े जितनी विद्या पढ़े उतना काम ले ले जितना उसको खुश करे उतना सब फिर मिले उसको पर करने का जतन करे जितना करे उतना खुश करे उसको उतना काम देने वाला ये है गुरु मुक्ति का दाता वो चौथे लोक में रहता है। क्या कहते हैं फिर बोल भाई सुनो तीन की बात है प्रथम बंदो सतगुर स्वामी बुद्धा जी लिखते हैं क्या फकीरों का कभी मान का तेरे अंदर आए हैं बस उनको पकड़ के बैठ कर
अंदर जाए तो सबको हासिल करे हमारा सतगुरु विरले जाने हमारा सतगुरु विरले जाने सुई के नाके सुमेर चलावे सोये रूप बखाने की तो जाने दास कबीरा तो जाने दास कबीरा की हर नाक सपूता की तो नाम देव ओ नानक की गोरख अवधूता जिंदर गाय में देखा मेरे कहती है संकड़ी के लिए मेरा सदगुरु मिला किसी फिर पुटी हमारे गुरु की अद्भुत लीला ना कुछ खाए ना पीवे ना वे सोवे ना वे जागे ना वे मरे ना जीवे कभी दिन बस कभी दिन समय का है सो गुरु करे जब हमें करना ना मरे ना हो सो किसी आदमी तो बात खोला है उसके पास एक प्रेमी आया ये पूछा गुरु और चले मुतलिक तुम्हें तुम आया ये दास में तुम भाई या कि विधि कौन समझाई नहीं को गुरु नहीं को चेला बोले सब ठीक अकेला जो को गुरु चेला कर जाना सो सो पड़े न ठीक हम एक बोल सब में राजा गुरु चेला बहुत विसाजा दो तो पहले आ गई चेला हो नीक बुझ भाई गुरु हो चौरासी जाई चेले का दुख भी छुटकारा है उसके निमृतता है वो तो हंकार में करके मैं गुरु हूं जितने अंदर गए हैं किसी ने कहा मैं गुरु हूँ क्या लिखते हैं जो हमको परमेश्वर उतरा सो नर पुण्य करे वो तो दास तब का जानू या ग्रेमर अंतरिक्षण जिनके लिए वो चीज आई है वो दास बने हैं सोच लिया हाँ जी क्या कहते हैं सुनो हाँ दुनिया सब ने लिखा है जन्म साखी में है जुगम गंतर सतगुरु दूसरे हुआ अनुभव चौरासी जन्म प्रेम के पाछे हुए लोग सत्तर जन संत जन चौदह सदगुरु लाए गुरु भूले से मिल रहे गुरु भूले से जाए पर बेड़े ले जाएंगे संत सेना के पूर्व जो टूटे टूटेंगे मन में लाए कूर ये कल युग में से 84 जन कहेंगे सत्तर संत में चलो वो आ पाएगा ये उसकी मौज है क्या अपने गुरु को भेजिए इसके बगैर रास्ता नहीं ये बात उसने अपने हाथ में रखी है जम बंदा सतगुरु स्वामी तुलसी चरण शरण रत मानी हैं कि पहले तो मैं उस सतगुरु को नमस्कार करता हूँ जिसके चरणों में मैं आनंद ले रहा हूँ खुशी ले रहा हूँ जिसके मुतालिक हम रोज पढ़ते हैं वाणी में नंद गया मेरी माया सतगुरु में पाया सतगुरु पाया सर से तीन नंद जी बधाई राग रत्न परिवार बड़ी शाद भावना कि मैंने ऐसा नंद हासिल किया कि मैं सतगुरु पा लिया है कहां पाया है सर से थी सहज वास्तव में वो कहां है तो लोग किस पर चौथे लोग में त्रै गुणों में सहज न पाइए त्रै गुण परम पिलाए पढ़िए गुण के थे जो मुद्दों को थे चौथे पद में सहज गुण पहले पाए महाराज जी खुशी का देश है शांति का देश है बाजे बाजे हैं कीर्तन हो रहे हैं सौदा तेरा क्या शुक्र क्या जितना सर सुना ले बाजे तेरे नाल अनेक संख्या कितने तेरे वाहन हारे कितने तेरे आपल सुखे कितने वाहन हारे कितने वाहन वो जी जब तक वहां नहीं पहुंचता जी को शांति नहीं वो हमारा घर है सतलोक अमलोक मुकामी हक वहां सब कुछ रहता है हाँ पहले तो उसको नमस्कार कर फिर पुन बंदा संतन शरणाई जिन पुन सुरत निरत दर्शाई फिर संत को नमस्कार तो संत कहते किसे हैं जिनके हीरे बसे मेरे सदगुरु सोई संत पले पांच
जिन्होंने सदगुरु को सदगुरु को प्रकट किया वो संत हैं। फिर संतों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सही रास्ता बताया, सुरत अमृत का भेद का पता दिया। सुरत क्या है? वो शक्ति है जो अंदर शब्द को सुनती है। मृत वो है जो अंदर नूर को देखती है। सोचो उसका भेद का पता दिया। सेवा चार प्रकार की है, तन की, मन की, धन की, सोच की। तन और धन के लिए कर सकता है, मन की जरा मुश्किल है। ये तो उसको तो संत के पास बेच ही दे। अभी इसमें विकार था, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मार लिया। मैं तीन संतों से मारे थे जिन्होंने उसकी ना तन धन सर्व सपना प्रवचन को दी ना, उनके हुक्म में जो वो हुक्म करें उनके मुताबिक सेवा से करे। फिर मन पे दबाव रहता है, हिम्मत आती है, उसमें बनता है, फिर हमको चढ़ाई होती है। फिर जब ख्याल आंखों पीछे इकट्ठा हुआ इन सुख की सेवा शुरू करते हैं सुख में से। हाँ संतान शरणाई जिन पुन सुरत निरत दर्शाई संतन की सुनाई पड़े जीव प्रांत आगे करे सेवा सुधन जाना काई तुम दया करो कुमार। सोचो संत के शरण में जाकर फिर पता चलता है सुख की सेवा क्या है। चरण शरण संतन बलहारी चरण शरण संतन बलहारी सूरत दीनी लखन सिहारी। आते हैं कि संतों के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, बलिहार जाता हूँ। जिन्होंने वो आंख जो मालिक देखने वाले को खोल दी वो सबकी बंद पड़ी है। ये आंखें फना है, फना चीजों को देखती हैं। प्राय आश्रय हम बिजली के आश्रय देखते हैं, लैंप के, तारों के, चांद के, उनके सूरज के, और ये ना हो हम देख नहीं सकते। ये आंखें बाहर काम करने के लिए है। किसने कहा आई जर दी विंडोज ऑफ द सोल, पूरी भी खिड़की बाहर काम करने के लिए। एक महल दो बारी शिव शक्ति सुल्तान, ये महल है इसकी दो बारी बाहर काम करने के लिए है। चलता फिरता महल है शिव शक्ति का हो, तीसरी आंख का हो, दिव्य चक्षु का हो, थर्ड आई का हो, लोग खोले तो अंदर देखे हैं हर एक चीज उसके अंदर है। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या शिव, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या ईश्वर, क्या परमेश्वर, क्या ब्रह्म, क्या पार ब्रह्म, सतनाम, सतगुरु, सब कुछ इसके अंदर है। कोई चीज ऐसी नहीं ना हो, वो आप खोले तो देखे पता लगे क्या चीज है। तो सब देखते हैं किस पे मोती बिंद हो गया, बाहर मोती बिंद हो जाए। कितने 80-90 साल की उम्र हो गई, कितने चारे करता है चार दिन की जिंदगी के लिए, तो जुगन जो से बंद है उसका किसी ख्याल ही नहीं। पुरान साहब लिखते हैं अंधे ना खेन जिन मुख लाना अंधे से नाम का खसम कुत्ते जाए। उसका याद ही नहीं किसी को, कोई अंग खोल नहीं है। है घट में सूझ नहीं लंग कैसी जिन तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता है? पर्दा। इस पर भी ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं। ये लाइट है, बोलो इस पर आप तार डालते जाओ बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुलती जाएगी। अगर इसमें कपड़े डालो फिर बंद हो जाएगी, उठाते हुए खुल जाएगी। इससे अच्छे पूरे ख्यालों के पर्दे पड़े हुए हैं। ये ख्याल निकाले सुन कर करके फिर आंख खुले। कैसे खुले हैं? हाफिज साहब ने लिखा जमा ले यार
निर्धारित निकात पर्दा बोले तुम्हारे वंश मुझे तुम कर दे कि नल के ऊपर तो कोई पर्दा नहीं, पर्दे तुम्हारी आंखों पे है, वो पर्दा उठा दे, नल सामने है, ये ख्याल पर्दे पड़े हुए हैं, इसे कर करके निकाले सारे ख्याल, तब खुले रखे कैसे खुले तब तुम कहा मैंने कहते मैंने ऐसा राम बेटा रामे राम बेटे जितने पाप से सब ख्याल निकल गए हैं, जितने जितने पाप से निकल गए कर्म खत्म हो गए, अंदर अमन बसने लगा, वो आंख खुल गई, सांखली गली मेरा सब कुछ मिला, किस स्वरूप उठी सांखली गली में आई, तब शांति ले यहां से तुम्हारी शुरू होता है। सारी दुनिया बाहरी बार फिर रही है, उसका ख्याल ही किसी को नहीं। चरण शरण संतन बलहारी सूरत दीनी लखन सिहारी सूरत दीनी लखन सिहारी शरण सूर सूरत समझाई शरण सूर सूरत समझाई सतगुरु मोर मरम लख पाई उपदेश ये हम खोल सब पर विवार सारी भक्ति का मूल क्या है, इस आंख को खोलना अंदर सब पर करना सोचना असली भक्ति का मूल ये है। हाँ जी शरण सूर सूरत समझाई शब्द रूप में सब जगह है उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है कि इनकी बात है समझने की गौर मैंने आपको बिजली दे दी आप इसे बल्ब जला लो सुख ले लो टीबी जला लो सुख ले लो ए चला लो सुख ले लो पंखे चला लो सुख ले लो कारखाने चला लो सुख ले लो ठीक है। अगर हाथ लगाए अगर हाथ लगाए सड़गी भी वो करंट सबके अंदर है हमने लगाया उसको काम टोल कार पर इसलिए सड़ रहे हैं शीर संतोष सीमा सब धीरे वगैरह से लगाए जो शांति आ जाए फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए रुई का कहीं प्लास्टिक का कहीं जूते का कहीं कपड़े का कहीं कोई किसी ने कोई बगैर करके तो नहीं चलता है ठीक है। जो भक्ति करो किसी बार ने लिखा है भूतुल पूजा करता भूतुल पास जाता है पितृ करता पितृ पास जाता है देव देवते करते उनके पास जाता है चुपकारना हुआ। अगर हमें कोई ऐसा मकान मिल जाए जो करंट को पकड़ने सिखाए हम करंट को पकड़े जिस तरफ से आ रही है चल पड़े तो कम पंच में हट करके फिर जो मर्जी करो इसी तरह को ऐसा फील मिले जो शब्द की नाम की करंट को पकड़ने सिखाया वो रोम रोम में रोम रोम बगैर नाम जैसे ये है वैसे वो है उसको करंट को पकड़ना सिखाया है ये पकड़े वो सीधी सड़क जनरली सड़क मार्केट दगा हुई जाती है उस नाम को शब्द गुरु को प्रकट करना ये असली भक्ति है। सोलत सोलो तत्व विचारियों प्रति शेष पूरी कह नानक एक राम नाम बिन अवसर विधि बाकी नीचे दर्जे की चार व्यक्ति प्यास में अर्थ विचार विचार तानिक सी भक्ति कौन सी राम नाम तत्सार की वो नाम देने वाला है ना मिले मंत्री के बिना मित्र विश्वास सुबह शांति में तो गुरु सज्जन जय मिले मैं दस परम तास मैं दस विट्टो चौकनी में नाम करे प्रवास
जिसके मतलब निरंकार पाय नाम रत्न पाए, जिसको पाए दुख सुख बोले मन अंदर सुनाये, जिसकी चोरी करुणा वर्ष धन पाए खर्च उल्ला खत्म हो दिन वर्ष हुआ, ये काम करना था। वास वस्तु साल के तप जप तप तीर्थ दर सब कुछ करते रहे, फिर भी हमने सबकी शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की, दिन को सेवा करनी रात को किले से केस मांगने, माल की प्राप्ति की नतीजा क्या देते हैं। हर की पूजा दुलम भा संतो कर्ण कश मिल जाए, संतो गुरु पूरा पाए नाम पूज कराई। कैसे सारी दुनिया माल की पूजा करती है, लेकिन जो इसलिए पूजा है वो मिलने दे लग गया, वो क्या है तो को पूरा गुरु मिले पूरा की मिले वो कहेगा तेरे सबूत तेरे अंदर तेरे में सच्चे नाम उसको पर उठा सोचना उसको पर उठा बिना हर पूजना हुई तन पुल लुकाई बिना में टोई नहीं तन जम कर उपारी। इस भक्ति के नजदीक जमदूत काल नहीं आते। अगर ठीक रास्ता मिल जाए ठीक फिकीर मिल जाए थोड़ी भी है उसका सिर में प्रकट कर दूर रहा है सुन भी करता है उसके नजदीक जमदूत नहीं आते। ये निशानी है खास वो उस परते मानी में प्रकृति सुन दूध में जो दूध जमने से प्रकृति सुन काल पर हरे इसके नजदीक नहीं आते। क्या थोड़ी है जम लग जाएंगे लेकिन मैग में लग गया काल से सर मैग में लग गए काल का लग गए उसको छोड़ता ना फिर क्या जम लग जाए जम का साठ में मिल गया बिना सब कर जीता खोटे कर्म किए शरत दिलाई मरते भेजा फिर भी निकाल के लाए सोच लो कोई शुद्ध कमलाजम है रहने का है संत कमलाजम हरियाणा में है क्या चपरासी है गुना करे सर तो पाएगा हरियाणा वाले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सोच लो संत कमलाजम है संकेत के बगैर कुछ नहीं कर सकते इसी के ये सब मैक में काल उसको कुछ नहीं कर सकता कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता जिस पर उसकी मोहर लग जाए फिर नहीं फिर उसे छुटकारा है चाहे एक जन्म में चाहे दो छोड़ता नहीं। हाँ हाँ जी हाँ ये असली भक्ति है। असली मुद्दा क्या था इस नाम को प्रकट करना शब्द को प्रकट करना शब्द को प्रकट करना नाम का रस लेना। हाँ जी हाँ जी जैसे फिर मिल जाए खुशी खुशी जाएंगे कह के जाएंगे अगर नहीं भी कहते चेहरा उनका पहले से अच्छा हो जैसे जल्दी अगर कोई निशानी है खास। हाँ जी और तकड़ाता गया तो फिर कौन सी लगती है। हाँ हाँ जी शरण सूर सूरत समझाई सतगुरु मोर मारम लख पाई सतगुरु मोर मारम लख पाई मैं मत हीन दीन दिल दीना मैं मत हीन दीन दिल शरण सत गुरु को जीना मत है तुम्हें मत नहीं थी अकली थी मन बुद्धि था मैं दीनता के साथ संत की शरण में चला गया सब को प्रकट कर लिया पहले दीन नहीं मिलता मिलता फिर दीन नहीं बनता दास में बनता संतों की दासरी यह चारा सीखी सद गुण गुण तुम पार्थक गुण पिखरी तुम दूर नहीं उस्ताद के पास जाते हैं प्रैक्टिकल कोर्स आए
उनके मुताब काम करे तो तरक्की है, इसी तरह ये है। हाँ जी मैं मत ही न दीन दिल दीना संत शरण सतगुरु को चीना संत शरण सतगुरु को चीना सतगुरु आगम सिंध सुखदाई सतगुरु आगम सिंध सुखदाई जिन सद रहारीत दर्शाई सतगुरु आगम सिंह सुखदाई मंडली ग्रंथ से परे ऊंची से ऊंचे परे से परे है वो सुखों दाता है जिन फकीरों से काम लेता है पहले उसी रूप में आकर मिलता है और कोई उसका रूप नहीं। हर कचैन सोई हर जन का हर आपके जन्मे आपके खांस लेकिन दो चीज नहीं तसल्ली के लिए उसी रूप में अगर मिलता है संतन के या ध्यान धारणा इसी रूप में आकर मिलता है फिर आगे रास्ता बताता है। ये प्राइमरी कोर्स है अनेक धोखे हैं। पहले सुनाया था मैं अंदर धोखा खा गया और खा गया बिगड़े दवा है अंदर कितनी शब्द है यहाँ रेडियो में कितनी आवाजें हैं कलकत्ते की बंबई की इंग्लैंड की अमरीका की सारी है यहाँ भी ब्रह्म लोग शिव लोग इंद्र लोग सचखंड सतपुर सब सारी आवाजें हैं उठ से आवाज पकड़ाता है बल्कि स्वरूप साथ चलता है तो सुख में दाता है जिन सही रास्ता बताया ना जो मेहनत करते हैं जिनको कुकुर अफकीर मिला है उसकी चिताए हुए हैं उनके लिए हर वक्त ख्याल रखता है कि कब आए मैं आगे ले चलूं ये कब आए यहाँ मैं आगे ले चलूं जैसे मेरे का संखड़ी वाले मेरा सदगुरु मिला कि फिर उठी यहाँ आए ये कर्म चलते वो कौन कर्म चलते इसके लिए ने लिखा चरण शरण गुरु एक पॉइंट जाए चल सदगुरु को आगे हो ले थे एक बार सदगुरु मंत्र सिमरना थे बार बार सदगुरु हे पॉइंट वो बार बार इसको याद करता है बोल खिला मैंने लिखा है तुम्हें खुदा की मेहर का पता नहीं वो हर वक्त अश की तरह तेरी तरफ नजर रखता है कल मैं आगे ले जाऊं। हाँ जी मास्टर चाहता है कि जल्दी पढ़े आगे एक मेरी भी इज्जत हो तरक्की हो वो भी हर वक्त ऐसे ही है हर वक्त ख्याल रखते हैं। हाँ जी सतगुरु आगम सिंध सुखदाई जिन सत रहारीत दर्शाई पुन पुन चारण कमल सिर पुन पुन चारण कमल सिर दिन होए संतन गत गाऊं।
बार बार संत के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मेयर की। क्यों? वो वहां से आना नहीं चाहते, ना जरूरत उनको देखता है। सोचो यहां से इंग्लैंड जाता है, अमरीका जाता है, बाहर के विषय है, उन्हें खुश है, वहां से आना नहीं चाहते। वहां से कहां आए? कैसा खुशी और शांति का देश है। उनसे लिखते हैं दो तो एक रूप हो गयो कितना दो हम आम को जो होते हैं प्रभाव को समझाए उनका की लोग पठाए। पहले अलग था जब भक्ति करके मत दुर्गा में गया तो हम खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा। मेरे दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मैं नीचे से उधर समझा के देख गया कि तेरा काम तो बन गया, तू जब मर्जी आ जब मर्जी जा, उनको समझा शायद तू आ जाए। से लिखता है क्या समस्त साई फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लहमा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस कैद खाने में कैद हैं, तो कब तक रहेंगे। हम सब इस जहान इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है जिसे हम निभा रहे हैं। जिसे हम निभा रहे हैं हम चाहते है, है, है। हाँ। गंदे देश में इतनी शांति है, हम छोड़ना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते। जब तक हम इस बिगड़ी शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते और न ही नाराज होते हैं। फिर दोस्त सचखंड की तरह हम पुर नूर प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खलक हैं। मिलते हैं नित्य कर रहे हैं कर ले सदा पाल आगे आगे श्री कुशार जी ने और मेरे राजा और मेरे दाता मिलते उसे कहते रहे किसी ने माने नहीं साथ आने वालों ने माने मान साहब के उनके बच्चे ने माने तो मानते हैं साहब के हुक्म में रहते हैं साहब के लड़के ने माने तो मानते हैं दास के लड़के क्यों मारते किसी से सारी में मुखालफत करते रहे गुरते बहाल को मत्था टेकने नहीं जाने दिया था दरबार साहब ने हाल था इस बेले ने माना है वो आस्था से दिन को चुकाते आस्था से ले जाते हैं बस। पुन पुन चारण कावाल सिर दिन होए संतन गत गाऊं दिन होए संतन गत गाऊं दिन जान दीनी मोहे आखी दिन जान दीनी मोहे आखी मैं पुन चरण शरण गह भाखी। ये दीनता वृद्धि का मार्ग है सारी दुनिया का कारण फिर रही है सोचना सारी दुनिया अहंकार में फिर रही है जो दीनता से पुकार करता मल के आगे उसको कोई फकीर मिलता है फिर फकीर मिल जाए फिर दीनता से भविष्य करें तब हर के भक्त सदा सुखवासी बाल सुहाय सदा उदासी
तो मसूम बच्चों की तरह माल कहा तो कुछ भी नहीं है, तेरी मेहर ही है। हम कहा जिससे पीछे मैं सब कुछ जानता हूँ, जिससे पीछे सब कुछ जानता हूँ, जानता हूँ शांति नाथ है, काम को अली में मिल जाए, उन्हें सब नाम मिल जाए, ऐसी जानता है। अब सन लिखत जोहर कबीरदास सलाम नोत गंगा रहे कि कभी धनी अपने अहंकार में रह गया, पर जन दिन तक कल माल की दुकान पहुंच गया। इसने लिखा है बी लाइक चिड़न फादर इनके दुकान में फैलन, तो मासूम बच्चे की तरह बन जाओ तब माल की दुकान में जा सकते हैं। जब फकीर मिल गया फिर दीनता से उनके हुक्मता भजन सुन कर इन हस्ती को मिटाने का मारे गए, ये गरीबी का मारे गए हैं। कभी कभी तो गरीबी की जरूरत है किसी चीज का रूप बनने के लिए, हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। मालिक का रूप बनने के लिए वो गुण चाहिए जो मालिक में है। वो क्या है? ईसा लिखते हैं कभी रोड़ा हो रहा है बात का तदमन कर्म ऐसा तेरा दास है कहीं तुम पाए मिले भगवान के रास्ते का रोड़ा हो जाए हरे की ठोकर खा फिर कहती ये भी नहीं बड़े से कुछ चोट लगेगी फिर खे बन जा फिर कहती ये भी नहीं किसी किसी कपड़े खराब होंगे हाथ पांव खराब होंगे फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा फिर कहती ये भी नहीं ठंडे की जरूरत गर्म होंगे गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया वो भी दुख है। कभी पानी हुआ तो क्या वे जो सीरा करता हुए हरजी में ऐसा चाहिए जैसा हरि हो तो अपने हस्ते को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या ये सबका मालिक है तो निशानी है? कोई गाड़ियां निकाले किसी की रोटी बंद की? इतनी हस्ती को मिटाए तब मालिक का रूप बनता है। सोचना इतनी हस्ती को मिटाया तब मालिक का रूप बनता। फिर बोल भाई हाँ सुनो हाँ हाँ दीन जान दीनी मोहे आखी मैं पुन चरण शरण गह भाखी। मन के पास दीनता से पेश हुआ तुमने मेरी आंख खोल दी मुफ्त देते भी कुछ नहीं छोड़ते भी नहीं फकीर बेगर्स होकर हमारी सेवा करते हैं कैसे नहीं लेते कैसे नहीं छोड़ते। जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक ने कहा ज्ञान की दक्षिणा भी हुआ करती है क्या कि तन मन और धन दुकानदार में देने को तैयार हूं कि मुश्किल है देख ले कि नहीं इस संकल्प कर दो उसने संकल्प कर दिया कि तन मेरा जी हाँ बैठ जा क्यों उठाया रजित के सामने राजे का जूती में बैठने को ऐसा है ना लोकलाज बनाने के लिए बैठ गया। फिर उसका ख्याल मन मिल जाए खजाने मिल जाए कितने आदमी मिले खजाने मिले जी हाँ इससे ख्याल मिला उसने कहा वाकई ठीक है दे चुका हूं अन्य संकल्प कल्प उठाता है इस सबसे मुश्किल काम है उसने कहा मन मेरा तो जी हाँ इसे संकल्प कल्प में उठा तन बती थी उसने मन को रोका ख्याल अंदर चला गया ज्ञान हो गया उसे ज्ञान हो गया कोई कसर नहीं सुना अपना तन में अंदर अपना न समझना सदगुरु का समझना उन्हें क्या करना है अपने तन के लिए कितनी बंदोबस्त करते हैं प्राय लेकर क्या करेंगे भक्ति कर करके थक गए अपना नाम कब नहीं आया प्राय लेकर क्या करेंगे वो उनके पास बहुत धन आया है जो कभी खत्म ना हो जिसे मुतलक मीरन का पाया रे मन नाम रत्न मन पाया जिसको पाया दुख सुख ले मन अंदर सुनाया जिसकी चोरी कभी ना हो सके ऐसे रम पाया खर्च लाख खत्म हो दिन मर सुनी क्या करना है पर अपना न समझना सदगुरु का समझना सेवादार बन के काम करना क्या लिया क्या छोड़ा सोचो ये हमारे बंदे छुड़ाने तो नहीं कंपनी में फंसा पड़ा ये हजरत यीशु मसीह साहब फरमाते हैं कि तुम यह न समझो कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूँ बल्कि तलवार चलाने आया हूँ क्योंकि मैं लड़के को उसके बाप लड़की को उसकी माँ
बहू को उसकी सास से जुदा करने आया हूँ, अर्थात दुनिया के अंदर फैली हुई तुम्हारी गहरी जड़ों को और इस दुनिया के साथ तुम्हारे मोह को, जो बार बार तुम्हें इस देह के बंधनों में बांध कर यहाँ ले आता है, भक्ति की तलवार से काटने के लिए आया हूँ, ताकि तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि अंतिम समय मनुष्य के घनिष्ठ संबंधी ही उसके शत्रु सिद्ध होते हैं, उनके मोहवश जन्म लेकर उनसे बार बार संबंध कायम करता है, जिस कारण इसके जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। हम कैसे फंसे हैं दुनिया में, कैसे समझा रहे हैं, हमारे ख्याल ही लिए फिरते हैं। कल का चंद का प्यार है, मैंने पी होगा, खुल खुल करता है, कोई सेवा नहीं करता है, देख लो फिर भी कहते मरूंगा। तन कैसा प्यार है, क्योंकि तन चाहते इसलिए तन मिलता है, फिर ख्यालों के मुताबिक कैसे अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसे चिंता में जो मेरे सब दिन बल बल उतरे। आज इकट्ठी की है उस तरफ ख्याल है, देवी मिल गई सांप की, मैं आकर बैठा दी पेट भर ले गए, चंद्र दिव्य जब मर जाए तो वो बैठे नाक नारी में चित्र है, कोई है कुकुर का और बाल बच्चों में ख्याल है। अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुख जीवन वाले लड़के सूर्य जीवन में पीछे पीछे बच्चे फिर रहे हैं, चंद्रास ने कहा सब की तालीम है, इससे धक्के खा रहा है। हमें रहना नहीं आता दुनिया में, एक हम गए लखनऊ, तीन चार दफे गए हैं, गोमती नदी के किनारे शमशान भूमि है। पहले तो वहां ऐसी कब्रसी थी, पीछे जब ग्रहण दो तीन साल हुआ वो छत भी थी, एक फोटो भी थी छोटी सी बच्चे की, उसकी कहानी सुनाई उन्होंने क्या कि किसी विद्या के बच्चा पैदा हुआ, विद्या उसी वक्त मर गई, बाप ने उसे पाला, 14 महीने का होकर दिसंबर में हुआ, ये फरवरी में मर गया, अब उसकी कब्र से बना दी था, साथ काला जो रख दिया गांधी भगवती के लिए। 10-15 दिन के बाद आता है, रो पीट के चला जाता है, पुजारी को कुछ पैसे दे जाता है, कोई फ्रूट बांट गया, कोई मिठाई बांट गया, बाद में शादी भी करवा ली, बच्चे भी हो गए, वो कमाते हैं, 15-20 साल हो गए मरे को, क्या देखा उसको, लोग थोड़ा रो पीट के चला जाता, कहां जाएगा फिर वो, जहां ऐसा था वैसा, इसलिए फंसा दुनिया में, बोलो क्या देखा उसका, इसलिए फंसा है ये बंधन है, बंधन मात पिता संसार, बंधन सत्य में कर्म धर्म किया, अपने पुत्र दिया का, इस बंधन में फंसा है हमारे, हम सब कर्म के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कभी दुख दिया उसे दुख लेना, जिस सुख दिया सुख लेना, कर्म से इसलिए ऐसे हैं, जाना नहीं आता कैसे रहे, बच्चा पैदा हो गया लड़का या लड़की, उसकी मौज, मार गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, थोड़ा दे दिया उसकी मौज, ब्याह दे दिया उसकी मौज, ये है रहने का तरीका, उसकी रजा में रहे, बस ये बंधन ऐसे फंस कर जा रहा है, खान खाकर बंधन डाल रहा है, एक रस्सा नहीं देता इसको, सैकड़े रस्से पड़े हुए हैं। 10-12 साल की बात है, एक दफा अखबार में आया, काशी से पराग को शाम को नहाने चले, किश्ती में बैठ गए, भाव कुंडी डंडा रख लिया, जब सुबह हुई तो चलाने वाला कहने लगा देखो देखो कितना हंस रहा है, देखो उठ के कहने लगा हम तो वहीं खड़े हैं, कहने इसकी भाव ज्यादा पी हुई है, दूसरा खड़ा उसने भी ऐसे जीतता है, तीसरा खड़ा उसने भी ऐसे जीता है, जब तुम लूटा कर तो मैं देखता हूं, जब देखा है हम वहीं खड़े हैं, जब पीछे देखा है जब तू मारता गया रस्सा खुला ही नहीं, ये एक रस्से नहीं हिलने दिए, ऐसे सैकड़े रस्से पड़े हैं, सोचो कब तुमने उसकी रजा में रहे, बस ये है बंधन तोड़ना, हर वक्त जैसे रखे पे मैं पावे तो आखला पड़ती नहीं है, ऐसे फंसा बस,
हाँ जी, फिर शिव शिव बंधन है, फिर कारण बंधन है। हाँ पहले यही इतनी देख लो कितने बंधन है। खाम खा के बंधन है। बार बार छोड़ने से ही तुझे मन तो छोड़ के गया क्या बना राजगढ़ पर रात पास छोड़ के जंगल में गया। अब जब तक अंदर रस ना आए कोई ना कोई साथी मानता है, किसी आदमी के पास बैठ जाएगा, जानवर के पास भी बैठ जाएगा, किस दर के पास भी बैठ जाएगा, लंबी दुनिया आने लगी, उससे प्यार पड़ गया। मुर्गी में भी उसके बेहद मेरा मेरे जी ने लिखा था वो मैं छोड़ने का अच्छा। हाँ ये भी है ईरान मैंने कही थी कल उसकी वजह में बस। हाँ 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 जी जान दीनी मोहे आखी मैं पुन चरण शरण गह भाखी मैं पुन चरण शरण गह भाखी अधम जान कहेरा मत है कि मैं तुम कहा बैखरीद गुलाम हूँ तेरा हूँ जो मेरे जैसे नीच को मैं चलने में लगाया मेरे को आंख खोल दी। हाँ मैं तो चरण भाव चित अधम जान कहेरा मैं तो प्रति प्रति दास बिना कोई पावे ना पारा। क्या संत मत हरते तुम्हारा दास हूँ बगैर संत बड़ा नहीं मिलता अपन भी अजय मिले बिछड़ के रोग सात संत प्राप्त नान प्रमुख जन्म बिछड़े दुख पाया मन कर्म करे हंकारी साधु परसुति प्रपाया गोप शन तुम्हारी सोई चतुर सियाना पंडित सो सूर्य सो दाना सात संग दिन हर हर जटिल नानक सो करवाना जब तक पूरफ की न मिले इसको सही रास्ता नहीं मिलता। हमारी आत्मा माया की बीमारी में फंसी हुई है इतना कमजोर हो चुकी है कि ताकत नहीं। जब तक जिसे कोई कमजोर आदमी है डॉक्टर इलाज करता है पहले उसको ताकत इंजेक्शन देता है फिर ऑपरेशन वगैरह करता है। इसी तरह आत्मा इतनी कमजोर उठने की तो हिम्मत नहीं जब तक इसको जिया दान ना करे जन मन दोनों नहीं जन परोपकारी है जिया दान दे भक्ति लन हर्ष लन मनाए इनिशिएशन कहते हैं बाई थोना कहते हैं मुसलमान क्या जिया दान करते हैं जैसे ये करते हैं ताकत इंजेक्शन देते हैं वो भी इसके लिए इंजेक्शन देते हैं इसको पता नहीं न तन में देते हैं न मन में सीधा आत्मा में देते हैं फिर उसमें काल बनती है इसका नाम है जिया दान। फिर उसने काल बनती है दवाई खाए या ना खाए जो इंजेक्शन किया वो तो काम करता ही रहेगा वैसे इंजेक्शन कभी खत्म नहीं होगा
सोच लो मजा है संत को ये राह नहीं मिलता। जिनको यदि मुंह लग जाते इंजेक्शन हो जाता है उसको छोड़ते नहीं फिर। ये समझ लो जैसे यहाँ भर्ती करने आते हैं हरियाणा के अफसर भी आते हैं हरियाणा में, पटवारी तहसीलदार सिविल सर्विस के और सेंटर के भी आते हैं, वो अपनी लिस्ट भेज देते हैं अपनी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट समय आ रहा था ना देख लो, बाकी भी तो नहीं जैसे जिन पे मोहर लगा देते हैं जैसे ये करते हैं वो भी मोहर लगा देते हैं, उनकी फिर गवर्नमेंट जो है उसको छोड़ती नहीं, वो अपनी अपनी गवर्नमेंट है सदर महकमा सेंटर का महकमा है, हाँ फिर वो छोड़ता नहीं। हाँ हाँ जी दास तुम्हारा संत बिना कोई पावे ना पारा। लिखा है कि खुदा ने फरमाया है तुम इतना बड़ा हूं कि कुल खंड ब्रह्म में मैं तो सुन कहीं नहीं समा सकता, लेकिन अजीब बात क्या है दर दिले मोमन भगन जनी अजर मैं मेरा ख्वाही अजन दिल तलो कि नौम मैं गुरु को समा जाता हूँ, जिसने मुझे तलाश करना उनके जरिए तलाश कर सकता है कोई तरीका नहीं। हाँ हाँ जी संत दयाल कृपाल सुखदाई कृपाल सुख दाई तुम्हारी शरण अधम कर जाई। वो मालिक दयालु है कृपालु है दुख सुकून डालने वाला काल है वो सर दयाल है, संत उसके एजेंट है जो उनकी शरण में जाता है दया के भंडार लेकर आते हैं देते हैं दया, कोई लेने वाला नहीं, जो लेता है पापी से पापी भी तर जाता है, कोट अपराधी सल से गुजरे जनता के नीर ना आवे जन्म जन्म का बिछड़े हुए तुम हर समान मिलावे। सोच लो दया लेने वाला कोई नहीं, वो देने को तैयार है कोई मेहनत नहीं करता, हाँ दोनों हाथों से लिए खड़ा है सदगुरु सबको देता लेता नहीं कोई देता नहीं कोई शीश को धरे उतारी वही शेष को मिले जिन्होंने आशा मारी। तुमने क्या सब जैसे छोड़े ख्याल छोड़े हैं अपना काम किया रोटी का बाकी सब जोड़ ऐसे पड़ा है खाम खो की बातें। कृपाल सुखदाई तुम्हारी शरण अधम कर जाई तुम्हारी शरण अधम कर जाई। बिना कोई आदि नायक शांत बिना कोई तुलसी तुझ शरण में सोई। कृष्ण से एक ही कहता है जब भी कोई गया संतों के जरिए संत मिलते हैं मालकी मेर से मालकी इसको मेर करता है जिसको सच्ची तड़प सच्ची लगना है ये प्रेम का मार्ग है साज कहूं सुन लो सभी जन प्रेम पियो ते नहीं तड़प पायो जो सच्चे जैसे पुकार करता है
उसको मार्ग नहीं पाते बिन हरि कृपा मिले संत। कृपा करी जिस पार पे हो गए साधु संत जीवन में बताइए तीन तीन से रंग दोनों सिरा का खसम आप अपने दूजे ठाओ सगुर पिठे पाइए नाम सचन हो उसका तिलक दिल भी हमारे साथ दिया मन की दुआ में भी है। उनका जो बताया हुआ रास्ता है वो सही रास्ता है। संत का मारू तन की पौड़ी को भी भागी पाए कोट जन्म के किले काटे हाथ चलने चितलाए संतो राम नाम निस्तरिये उठते बैठते है त्याई अंगन सुकृत करिए लगा रहे फिर अगर रास्ता ठीक है कभी कभी भी चले तो एकदम नजर पहुंच जाएगा। अगर रास्ता उल्टा है कितना दौड़ता भागता रहा दूर दूर होता जाएगा। सब जप सब तप सब चित्राई उजड़ भर में राय न पाई दिन बीजे तो था न पाई नाम नहीं माते चाई कौन पूछता। हाँ सब उल्टे रास्ते हैं काल के बनाए हुए हैं उसने ऐसा जाल डाला है निकलने का राह छोड़ा ही नहीं। तीन लोग का पिंजरा भी है पाप उन तक जा सब जीव सब एक ही विकास से पिछकार कर रहा है किसको नहीं छोड़ता। केशव चेर ने लिखा है अब आर्मी में विशुद्धा खाना फरम विशुद्धा अगंदा पीए कार ली बस सैर कर देगा। तो हमारे कर्मों में अब आर्मी के दर्द पुष्ट लिखा है उस जादूगर ने ऐसे जादू डाला के निकलने राय नहीं छोड़ा। दादू जी भी अलग पड़ गया उसे नॉर्मल सूत जैसे नॉर्मल सूत उलझा होता है ऐसे उलझा पड़ा जीव है। आदि नायक संत बिना कोई तुलसी तो छ शरण में सो संता जो कछु करे सोई संता संत बिना नहीं पावे पंथा। मालिक संत को सब अथॉरिटी देकर भेजता है लेकिन वो कोई नहीं भरते ग्रंथ साहब लिखते हैं ठाकर तो वसन आवे हर सो कुछ करे जो उनके संता पावे पीता लोर में सोई क्रांतर फिर में कोई पाएंगा कोई उसको रिकॉर्ड डालने वाला नहीं। यही राम स्वामी की संता वह जो करें सोए वह जो करें सोए हुक्म उनके साहेब संत कहें सोई करें राम न करते पाए। राम के घर के बीच काम सब संत करते देवता तेतीस को संत से सभी डरते। सोच लो राई पर्वत करें करें पर्वत को राई राम के घर के बीच फिर तुम्हें संत दुहाई। यही मुसलमान फिर कहते हैं अब हस्त को जो तजला तीर जस्ता बास को जान जिरा क्या अल्लाह की इतनी ताकत है तो दरगाह से चला हुआ तीर वापस कर दें। फिर किसी ने पूछा क्या वो मालिक शरीक है कि नहीं वो मालिक के प्यारे बच्चे हैं प्यारा बच्चा मालिक बाप से जो मर्जी करवा ले इतनी अथॉरिटी होते हुए वो अथॉरिटी नहीं बढ़ते फिर भी कहते मालिक तू जैसे कहेगा वैसा करूंगा और जरा गुमान आया बस खत्म ये अकड़ा सब गया जरा उनका फिर भी नहीं बढ़ते कि मालिक जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा फिर भी अथॉरिटी नहीं बढ़ते। मेरे सिद्धि वाला जितने सब धोखा है उनका बुरा हाल होता बाहर उनको काबू करना ही असली है। लिखा है अगरबरा परी मत्स्य वासी अगरबरावी खसे वासी दिल दस्तार की रशे वासी अगर तुमने हवा में उन्हें सही लिया ये तो मक्खी उड़ती है अब वो सिद्धि प्राप्त की ली कि दरिया पे बैठ के पानी पे डूबता नहीं वो तुम कभी जा रहे हैं इस मन को काबू कर
पंखी है कि जे भगवान सहस मन जाओ नदी किसी ना भी ना कुछ पिया ना खाओ भी तेरी की ना खबर है कबीड़ा खाना फिर भी समझ नहीं उसके पास नाम आ गया है ये सब धोखे हैं क्या ये मन की शक्ति है क्या लिखते हैं हाँ। इस मन को काबू करना सबसे बड़ी करामात है करामातें सब मन का खेल है तो करामात हर साल भी उल्टी पड़ेगी बस जब मन की ताकत जाग उठती है तो ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जाती है जो हर काम कर सकती है चलती गाड़ी को खड़ा कर दे बरसात करवा दे किसी को लड़का दे दे किसी को मार दे किसी बीमार को अच्छा कर दे किसी को बीमार कर दे आसमान में उड़ जाए इत्यादि ये तमाम चमत्कार और करामातें मन के खेल है जिस तरह एक गरीब इंसान को अनायास ही धन और पद प्राप्त हो जाए तो वह अपनी मान बढ़ाई और शोभा बढ़ाने व दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी पर जुल्म डालने लगता है तो किसी को अनुचित रियायत देने लगता है और कानून की हद को तोड़कर नुकसान उठाता है इसी तरह कुदरत की ताकतों का गलत प्रयोग ही चमत्कार और करामाते हैं ये जुल्म और कहर है प्रकृति के नियमों को तोड़ना व उसके विरुद्ध चलना है जिसकी सजा भुगतनी पड़ती है और मन की यह शक्ति नष्ट हो जाती है अक्सर निचले दर्जे के फकीर या तो माया इकट्ठी करने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बंबई के एक प्रसिद्ध फकीर श्री मेहर बाबा लिखते हैं कि जो योगी अपनी ताकत को लोगों या शासकों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह मौत के बाद पत्थर या धातुओं की योनियों में जाते हैं विकास क्रम में तरक्की करते करते लाखों वर्ष बाद फिर ये इंसान बन पाते हैं बोले पत्थर या धातु की योनि हाँ, 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 सच्चे संत या फकीर अगर करामात दिखाकर लोगों को शिष्य बनाना चाहे तो सारी दुनिया ही उनके पीछे भागने लगेगी उनके लिए करामाते दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन यह सच्चे संतों का मार्ग नहीं उनको न तो माया इकट्ठी करने की जरूरत होती है और न ही अपनी मान प्रतिष्ठा के बढ़ाने की वह तो मालिक के नाम के रंग में मस्त रहते हैं और मालिक की तरफ से बख्शी हुई किसी ताकत को अपना नहीं समझते उसको उसी के हवाले करते हुए उसी की रजा में राजी रहते हैं उनके पास तो सिर्फ राम नाम का सौदा है खुद नाम का रस लेते हैं और दूसरों को ऐसा करने का उपदेश देते हैं ये वाला सौदा है का नगर नगर निको कि सौदा रस कीजिए बस ये सौदा करना था है मत सारे सौदे इसके अंदर है जो करे ये वाला सियाला तीन लोग से जुदा है उन संतन की चाल रिद्धि सिद्धि को देख देत है खाक उड़ाई माया से निवृत भोजन की करे बढ़ाई पलटू साहब बस बोल गए जो कछु करे करे सोई संता संत बिना नहीं पावे पंथा सुरत सारा मारे इष्ट
सतगुरु संत परम पद पारा। हैं कि मेरे इष्ट कौन है, संत कौन से, जो सार शब्द को पकड़कर नलक दुर्गा में गए हैं। ये लफ सुना है, ये बलते रहे हैं, बलते रहेंगे। 50 मिनट पे जब बोली पहल जाती है, जो पंजाबी उन्होंने सके वक्त वक्त नहीं, जो अंग्रेजी सके वक्त वक्त नहीं, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं। नेचर कटिंग थी पाई बाहू एक शनिवार पढ़ाया जरा नहीं लगना होगा। लेकिन खुदा का कलाम उसी तरह रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये सुना है ज्यादा तिलक ही तक काम करते हैं, बाद में लोग साथ सब कुछ निमा है, अखर खिल जाएंगे, अखर निमा है, जिसमान अखर है देता ना पार ब्रह्म नहीं देता। ये तो हमारे समझाने के लिए है, फिर अनाद है वो सुना के दायरे में है। जान मरे जप्पा मरे अनहंग मर जाए, सच मन शब्द में ताको खाना खाना खाए, उसके ऊपर सच्चा शब्द सच सार शब्द है। कि मेरे वो संतान जो सार शब्द पकड़ कर मालिक दरगाह में गए हैं, सार शब्द का बाँचो मानव तिवारा हो कि सन का है, सच शब्द का हो, सच्ची पानी का हो, सच्चे नाम का हो, वो दुख दूर करने वाला है। वो पार ब्रह्म से पार जाकर नाम सच्चा नाम वाणी मिलती है। कह कभी जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोक की रहे ऊपर सदगुरु नाम, बने तीन लोक बापरा कैसे दस रहे, नाम निशान सभी जगह ऊपर ताबी देखता है। हम रोज पढ़ते हैं नाम सुनो को पागी है, सगल मनोर पूरे कब हुए हैं, पार ब्रह्म पर पार तेरे सगल पूरे सूर्य ब्रह्म देश के पार पार ब्रह्म में जाकर दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची वाणी, वहां सच्ची वाणी सच्चे शब्द सच्चा नाम आ रहा है। कैसे मिलता है, संत साधन पाए सहसे पूरे मिलते जन सहसे के मिलते सहसे शहर में इलाका में। जब संतों के शहर में जाकर उनको खुश किया, तन मन के बंधन तोड़े, फिर कहते मेरे इष्ट वो है जो सार शब्द को पकड़ कर मालिक दुर्गा में गए हैं, वो मेरे इष्ट है, उनके साथ गया हूँ। हाँ शांत सुरत सारा सतगुरु संत परम पद पारा, सतगुरु संत परम पद पारा। चलो बस करो, इन्हें बहुत काफी है ना। हम तो पहले कह देते हैं ये नाम संभल के लोग, ये ऐसा नाम नहीं, ये तो खा लेता आएगा, तकलीफ आती है। उसके पास बैठने से, शादी के पास बैठने से मां शराब खाने वाले भजन बना हट जाता है। मां सारी मानदा पर तक शशंग, ताकि संत मत करो पर भजन भंग। रसोई तोड़े नहीं और खाल निकले नहीं, सभी ने ऐसी मेहर की है तो बस अंदर माफी मांगो, मेरा क्या गुनाह किया, वो अंदर बैठा तेरे उसका गुनाह किया है, उससे माफी मांग, दो दो चार चार घंटे भजन कर, फिर ठीक होगा काम। कल तो फिर पिता बैठ के कर वो बोल भाई सुन लेना, सुनो भाई ये कीमती बात शब्द। हाँ सदगुरु तेरा ही आसरा, आप सबको प्रसाद दिया जाएगा, तब तक आपकी सेवा में कविराज आपके फरमाने के मुताबिक साउथ प्रेस करेंगे। थोड़ा सा बोलता है ये कीमती चीज है, सुनो प्रेमियों के लिए खास कर। हाँ सत्संग के तुरंत बाद ही नामदान होगा, जिन माताओं बहनों वीरों बुजुर्गों को खुशी से लेना हो वो ले सकेंगे। इसमें आप ये फरमा दिया करते हैं, अर्ज करते हैं, तीन शर्त है, दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, और प्राय बीबियों की तरफ बंदे को नहीं देखना, बीबियों को प्राय पति की तरफ नहीं देखना, ये तीन शर्त है बहुत जरूरी।
असूलों पर कायम रहे वो खुशी से नाम ले सकेंगे। नंदन सतगुरु तेरे देह साहब की कोठी जो नहीं है इसी में नाम दान होगा, यहाँ पहले इकट्ठा करेंगे, यहाँ बैठ जाना, फिर नाम महा दिया जाएगा। नंदन सतगुरु तेरा तारे कबीर सोया जा करे सोए हो काज, ब्रह्मा का आसन बिगा सुनी काल की गाज। सोवन में ना खोइए, सोवन में ना खोइए, जन्म पदारथ पाए, चरण दास कह जागिए, आलस सकल गवाए, सोवन में ना खोइए। पर चढ़े जो आभ सोवन में ना खोइए, जन्म पदारथ पाए, चरण दास कह जागिए, आलस सकल गवाए। जहाँ सबन की